तो इसके जो पत्तियां होती है पानी से भरा होता है, अगर आप इसके पत्तियों को दबा के देखें तो पानी पानी निकल के आएगा, और इसका इवन स्टेम जो है वो भी पानी से भरा होता है। इसको ट्रेन करेंगे उस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इसको 10 दिन पानी डालते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट 10 दिन की हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुलाई चैनल, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे बॉन्साई लर्नर्स के नेम से सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें नीतीश जी आपको बॉन्साई से रिलेटेड सभी चीजें सिखाते हैं, फिर चाहे वो बॉन्साई बनाना हो, वायरिंग हो, सॉइल मिक्सचर हो, ये ऐसे कई सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि जो भी बिगिनर्स हैं उन लोगों को बॉन्साई तैयार करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और इन फ्यूचर आप सभी घर बैठे इजिली बॉन्साई तैयार कर पाए। तो आज एक बार फिर से हूं मैं नीतीश जी के साथ। नीतीश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बढ़िया जी। सर जैसे कि हम 3 से 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा वायरिंग था, सॉइल मिक्सचर था, इसके बाद हमने रिबॉटिंग भी करी थी, और इसके बाद हमने आपको क्योर वगैरह भी बताए थे, जिसमें हमने आपको इंडोर और आउटडोर प्लेसमेंट बताई थी। तो सर अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आज की जो टॉपिक है वो कौन से टॉपिक पे हम करने वाले हैं? जी संदीप जी, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को मैं नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? जी संदीप जी, जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था सॉइल मिक्सर को लेकर के एंड वायरिंग स्टाइलिंग सभी टॉपिक्स हमने कवर किया, आई होप कि आप लोगों को गाइस समझ में आ रहा हो और ये जो आर्ट है आपको बहुत इंस्पायर कर रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक ये आर्ट पहुँचे, बिल्कुल बहुत अच्छा आर्ट है। ओके, तो जो आज का टॉपिक है गाइस, मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूंगा इसकी केयर को लेकर के, कि जब भी हम कोई न्यू प्लांट को जब हम इसको बॉन्साई में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बॉन्साई ट्रे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद उसके कौन कौन से मतलब केयरिंग स्टेप्स होनी चाहिए, मतलब इसको देखभाल करने की जो विधि है, स्टेप्स हैं, कैसे इस चीज को हम आगे लेके चले। ठीक है, तो समीर जी जैसे कि हमें पहले इसमें देखा था कि ये प्लांट है, एक हमने रेगुलर जो नर्सरी प्लांट था उसमें हमने वायरिंग किया था, उसके बाद हमने इसकी इसकी जो नर्सरी पॉट है उससे रिपोर्ट करके हमने एक निकाल करके एक बॉन्साई पॉट के अंदर रिपोर्ट किया था। तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जेड की केयर करना, क्योंकि जेड जैसे कि मैं आपको बता दूं, जेड जो होता है सैकुलेंट फैमिली से आता है ये प्लांट, और इसीलिए पानी स्टोर करने की क्षमता इसकी बहुत ज्यादा होती है। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो आपने भी नोटिस किया होगा अगर आपके पास जेड है, तो ये प्लांट जो है आपका बिल्कुल मतलब कि घर पे रखते होंगे तो इसके जो पत्तियां होती है पानी से भरा होता है, अगर आप इसके पत्तियों को दबा के देखें तो पानी पानी निकल के आएगा, और इसका इवन स्टेम जो है वो भी पानी से भरा होता है। अगर आप इसको काटते हैं कुछ भी करते हैं तो इजिली कट जाता है, सॉफ्ट वुड होता है काफी इसका, लेकिन हम इसको बॉन्साई में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया ये जो प्लांट है एक मतलब अफ्रीकन नेटिव प्लांट है, वहाँ के डेजर्ट्स में पाया जाता है। okay. तो आपको समझ में आ गया होगा डेजर्ट्स में पाया जाता है, वहाँ पानी बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो उस केस में इस प्लांट को काफी मतलब कि पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम यहाँ पे अपने अपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में इसको लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो ये खराब होने के चांसेस होंगे। ठीक है, इसको ड्राई एनवायरनमेंट ड्राई सॉइल मीडिया पसंद है, आप उसको मिस्ट रखें, मॉइस्ट रखें हल्का सा, लेकिन आप ज्यादा पानी बिल्कुल ना डालें। ठीक है, तो फर्स्ट केस मैं बताऊं अगर केयरिंग में, तो आप इसको वाटरिंग कंट्रोल में रखें, बहुत लिमिटेड रखें, फ्रीक्वेंटली ना डालें, 1-2 दिन के गैप के अंदर डालें। जिस तरह से आप इसको ट्रेन करेंगे उस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इसको 10 दिन पानी डालते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट 10 दिन की हो जाएगी, ये अपने आप को उस कंडीशन को फेस करने के लिए ढाल लेगा। इसको पता हुआ कि मेरे पास पानी जो आता है 10 दिन के अंदर आता है, तो अपने अंदर ज्यादा पानी स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप डेली डालते हैं तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाएगी और आपका प्लांट खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल ना डालें डेली, और जितना कम डालेंगे पानी उतना इसकी लाइफ ज्यादा चलेगी। वैसे सर हमें नॉर्मल अगर हम लेके चले एक हमें प्रोसीजर फॉलो करना है तो हमें कितने कितने दिन में डालना रहेगा पानी? हाँ, अगर मैंने कहा हम फ्रिक्वेंटली नहीं डालना है, इसका मतलब कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें, या तो जब ड्राई हो जाए आप डेली भी डाल सकते हैं। अगर ये सॉइल मीडिया ड्राई हो जाता है, जिस तरह मेरा सॉइल मीडिया है, जिस तरह से मैंने इसमें बना है वेल ड्रेन सॉइल, तो क्या करेगा पानी ज्यादा स्टोर करके नहीं लगता है, एक्सेसिव वाटर होता है, नीचे ड्रेन होल से निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम एक दिन के गैप में डाल लें, आप डेली डालो एक दिन के गैप में, बस आपको ध्यान रखना है ऊपर की सॉइल सूख गई हो, अगर सूख गई हो पूरी फिर डाल दो पानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसको पानी 2-3 दिन में डालना है तो आप 2-3 दिन के हिसाब से इसको पानी डालो, ट्रेन करो उस से ऐसा पानी डालो, जब आप इस चीज पे यूज्ड होंगे तो आपका आपको समझ में आने लग जाएगा। जब भी सूखे, जैसे लगता है कि
अब पानी चार दिन में सूखता है तो आप चार दिन के बाद डालो, लेकिन इतना पानी कभी डालना चाहिए, दो तीन दिन सूखा भी छोड़ो तो अच्छा रहता है, अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से। यही अगर हम वाटरिंग की बात करें तो रेनी डे या फिर विंटर्स में क्या रहेगा? एग्जैक्टली देखो जो हमारा जो क्लाइमेट है इस तरफ का, हमारे दो तीन मौसम में बदलाव होता है, रेनी सीजन होता है, समर सीजन होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग आता है, ऐसे तो मौसम बदलते हैं हमारे। तो बरसात सबसे क्रिटिकल होता है इन प्लांट्स के लिए। अगर ओपन में रखा है और आपने रेगुलर मिट्टी यूज किया हो गार्डन सॉइल तो उसमें खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम जिस तरह से मैंने रिकमेंड किया आपको इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करना बताया है तो उसमें मतलब आपके खराब होने के चांसेस, रूट रॉट की प्रॉब्लम की चांसेस बहुत कम हो जाती है। स्टिल आपको केयर करना तभी है क्योंकि ज्यादा अगर बारिश हो गई, कभी कभार होता है ज्यादा बारिश होती है, लगातार होती रहती है तो उस केस में खराब हो सकता है प्लांट आपका, बहुत रेयर चांस होते हैं उस केस में अगर अच्छा सॉइल मीडिया आपने यूज किया तो। अगर रेगुलर गार्डन सॉइल में तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, कई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन अगर आपने आइसोलेट में रखा है, छत पे रखा है, डिपेंड करता है कहाँ रखते हो, अगर छत पे रखा है, छत पे ये ज्यादा बारिश झेल जाता है, लेकिन कभी कभार होता है गल जाता है। कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर हमारा जो बहुत मोटे मोटे जेड हैं वो खराब हो रहे हैं, जैसे सड़ रहा है, वो मेन वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ। अगर विंटर की मैं बात करूं तो विंटर में आप फ्रिक्वेंटली पानी दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है कि विंटर में धूप उतना निकलता नहीं है और मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, तो आप कोशिश करें जब मिट्टी विंटर में सूख जाए एक दो दिन और सूखने दें फिर डालें, तो प्लांट की लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। सूखते ही मत डालो, अब जब एक दो दिन हो जाए सूखते ही तब डालो उसके अंदर पानी, तो बहुत अच्छा चलेगा। समर में आप डेली पानी डाल सकते हैं क्योंकि समर में आपका आज सुबह डालते हो शाम को सूख जाता है, तो आप डेली पानी डाल सकते हो। तो इस तरह से अपना रूटीन बना लो जिससे प्लांट आपका अच्छा चले। जी ठीक है। एंड सर जो मैं सॉइल मिक्सचर की हमने बात की थी, जैसे हमने सॉइल मिक्सचर बना के जैसे स्टार्टिंग में वायरिंग करके सॉइल मिक्सचर हमने डाल दिया था इसमें, तो वो सॉइल मिक्सचर कब तक के लिए हमारा रहेगा? कुछ चेंजेस वगैरह भी करने होंगे इसमें आगे? हाँ देखिए, जो भी अभी जेड है तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने जेड को हर दो साल के अंदर रिपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि जेड अपना रूट सिस्टम बहुत मतलब विग्रेसली ग्रो करता है, अंदर बहुत ज्यादा तेजी से रूट सिस्टम भर जाते हैं, तो रिपोर्ट का मतलब होता है कि आपके प्लांट जो है ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपको लगने लगे पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी ज्यादा। आफ्टर टू ईयर मतलब दो साल के बाद, लेट्स से अगर हमने रिपोर्ट किया मार्च 2019 में तो हमें 21 में रिपोर्ट करना पड़ता, मैंने किए हैं बहुत सारे जेड को 21 में रिपोर्ट, तो उसके उस तरह से आपको बना लो अपने बाउंसर की रूटीन कि भाई मार्च में रिपोर्ट करना है और आपको दो साल के बाद, उसके दो साल के बाद आप उसको दोबारा रिपोर्ट करो, उससे क्या होगा न्यू ग्रोथ इसकी प्रोड्यूस होगी, तो रिपोर्टिंग उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एंड अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें मैं कहूँ, जैसे आपने कहा कि भाई रिपोर्ट कब करेंगे, ठीक है, तो ग्रोथ इसकी रुकने पे आपको रिपोर्ट करना है, एक तो जरूरी नहीं कि आप पॉट बदले, रिपोर्ट करने के लिए मैंने आपको वीडियोस में भी दिखाया जो मेरा ट्रेनिंग पॉट था, मैक्सिमम रूट प्रून कर लो, एक छोटा सा बॉल छोड़ दो जिस मिट्टी के समय, जिससे आपका प्लांट ज्यादा शॉक में ना जाए, ठीक है, क्योंकि शॉक के बाद क्या होगा, प्लांट आपका बहुत श्रिंक हो जाएगा, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाएंगी और सुंदर नहीं दिखेगा। जी सर, जब हम रिपोर्ट करेंगे तो सेम पॉट में भी कर सकते हैं दोबारा? हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट करते हैं सेम पॉट में करिए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बॉन्साई आर्ट ऐसा है कि आपको अगर प्लांट आपका बहुत बड़ा हो गया, लेट्स से ये साइज है, अब इस साइज आपने इसको और बड़ा कर लिया, इसकी साइज और थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो उस केस में आपको हो सके इसमें अच्छा ना लग रहा हो देखने में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, ठीक है, उस केस में आप इसको अलग पॉट में शिफ्ट करें, थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा मतलब कि बड़ा हो पॉट वो। तो सर अभी जो हमारे सीरीज स्टार्ट हुई थी हमने जेड से स्टार्टिंग करी है, तो जेड में अभी हमारे क्या क्या टॉपिक्स अभी रह गए हैं जो कि हम कवर कर सकते हैं? देखिए फिलहाल अभी तो मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं अभी हम एक बॉन्साई को सामने रखकर टेबल पे बैठ के बता रहे हैं, अभी हम आगे प्रैक्टिकली भी इन चीजों को देखेंगे जिससे आपको ज्यादा अनुभव हो, भाई मैंने जो बता दिया एक लेक्चर की तरह हो रहा है, एक थ्योरी की तरह हो रहा है, हमने प्रैक्टिकल नहीं देखा किस तरह से होती है। अभी मेन है वाटरिंग करने का सही तरीका, क्योंकि ये ऑफकोर्स मतलब डेजर्ट टाइप का प्लांट है तो इसको ह्यूमिडिटी ज्यादा पसंद नहीं होती, हालांकि बहुत अच्छा ग्रो करता है हमारे ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, ह्यूमिड क्लाइमेट जब आता है बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन ज्यादा ह्यूमिडिटी फैल जाती है जो कि रेनी सीजन में है, तो उस केस में इनके जो ट्रंक है वो गलने लग जाते हैं। अगर आपने पानी कंट्रोल रखा है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो आपका प्लांट खराब नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसकी अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे इस चीज को, प्लस आप अभी और फर्टिलाइजिंग पे भी बात करेंगे, फर्टिलाइजिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अभी हमने रिपोर्ट कर दिया है,
लेकिन हमने फर्टिलाइजर इसमें कुछ भी यूज नहीं किया कि अगर फर्टिलाइजर हमने यूज कर दिया तो क्या होगा कि प्लांट और ज्यादा स्ट्रॉक में चला जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेबल नहीं है, इसके रूट सिस्टम टूटे पड़े हैं। लिमिटेड टाइम के बाद हम फिर रिपोर्टिंग, जैसे रिपोर्टिंग आपने किया है तो बहुत ज्यादा रूट्स को हमने हर्ट किया है, तो उस केस में क्या होगा कि ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट लेने के लिए फाइबरस रूट की जरूरत पड़ती है, हमने सारे फाइबरस रूट को कट ही कर दिए, बहुत लिमिटेड रहे, तो उस केस में जब इसके अंदर डालेंगे बहुत ज्यादा यू नो न्यूट्रिएंट रिलीज होगा इसके अंदर, तो प्लांट के रूट रॉट की भी समस्या उसमें हो जाती है। तो कोशिश करें कि एक महीने के बाद ही आप इसको, जब प्लांट स्टेबल होने लग जाए, न्यू न्यू इसमें जो शूट्स होती है, न्यू मतलब लीव्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाए, एक दो लीव्स निकल जाए तब इसमें फर्टिलाइजर डालना स्टार्ट करो आप, या तो माइक्रो डालो या मैक्रो डालो, ऑर्गेनिक डालो या इनऑर्गेनिक डालो। ऑफकोर्स मैं आपको एक बात और बता दूं, इनऑर्गेनिक हमें ज्यादातर हम लोग जेड में इनऑर्गेनिक यूज करते हैं, ऑर्गेनिक का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसकी मिट्टी सॉइल जो हमने यूज किया हुआ है उसे ड्राई रखना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको ड्राई रखते हैं। अभी भी मेरा देखो पॉट ड्राई है, इसपे पानी की कोई फिक्र नहीं है, सबसे बढ़िया प्लांट है, आपको बिल्कुल एकदम दो तीन महीने के लिए अगर कहीं चले जाते बाहर और आपका जेड एकदम अकेला रह गया, जब आप आओगे तो बेशक इसका स्ट्रक्चर खराब होगा, पानी डालोगे फिर से अपने स्ट्रक्चर में आ जाता है ये, ठीक है। तो फर्टिलाइजिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप जब रिपोर्ट करें तो ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत लिमिटेड रखें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रूट डैमेज हो रखी है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है प्लांट के अंदर। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या करें, ऑर्गेनिक जो मटेरियल होंगे उसके अंदर वो क्या करेंगे, पानी ज्यादा स्टोर करेंगे और आपके प्लांट को रूट सिस्टम को थोड़ा डैमेज भी कर सकते हैं, इन केस अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो, ठीक है। तो अगर आप पानी लिमिटेड रखो तो ऑर्गेनिक का कोई रोल नहीं पड़ता वहां पे, कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं चलेगी, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज नहीं होंगे, जो बैक्टीरिया रिलीज करता है अलग अलग मटेरियल को तोड़ करके डिकम्पोज करके डिग्रेड करके, वो चीज नहीं होगी कम पानी में, क्योंकि कोई भी जीव पनपता है, कुछ भी एक छोटी सी परजीव जीव जो भी पनपता है वो पानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही पनपता है। ऑफकोर्स थोड़ी सी ह्यूमिडिटी तो अंदर होती है सोइल के अंदर, आपको ऊपर से ड्राई लग रहा है लेकिन अंदर जो है इसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी होती है थोड़ी बहुत, तो उस केस में बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत विग्रस नहीं होती, ठीक है। तो फॉलियस बहुत लिमिटेड ही इसके डेवलप होंगे। इनऑर्गेनिक पे आप यूज करोगे कैसा, ऐसे फर्टिलाइजर या तो लिक्विड फॉर्म में यूज करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना तो आप लिक्विड फॉर्म में यूज करो, बहुत सारे मार्केट में लिक्विड फॉर्म के फर्टिलाइजर अवेलेबल है, पानी में मिक्स करें आप डाल, इंस्टेंटली वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन और अगर थोड़ा सा बिजनेस ग्रो करते हैं तो ऑफकोर्स आप इनऑर्गेनिक पे जाओ, ऐसा तो है नहीं कि कंज्यूमेबल आइटम है, आप इनऑर्गेनिक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका छोटा सा पॉटिंग मिक्स है, छोटा सा एक पॉटिंग मीडिया है, छोटा सा एक पॉट है, उसके अंदर कितना वो डालोगे, तो हमें लिमिटेड फॉर्म में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजिंग एक महीने के बाद स्टार्ट करें, मेरा रिकमेंडेशन जो फर्टिलाइजिंग का प्रोसेस है वो डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में भी जरूर कवर करना चाहेंगे सर के साथ, ताकि जैसे सर के पास काफ़ी सारे कलेक्शन है तो मैं तो चाहूँगा कि सभी पे कैसे फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं वो करके दिखाएं, क्योंकि कई सारे व्यूवर्स होंगे कि इनके पास जेड होगा, किन्हीं का कोई अदर वैरायटी भी हो सकती है, तो सभी को उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि हमें अलग अलग कैटेगरी पे कैसे काम करना है, कैसे फर्टिलाइजेशन करना है। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थी ये थी केयर के ऊपर, अगर अभी भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगती है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि हम कमेंट्स को भी आगे लेके चलते हैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में, कमेंट्स भी क्लियर करते रहते हैं और सर भी चाहेंगे कि कमेंट्स का आपको रिप्लाई दे, तो आप इजीली कमेंट करते रहिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, जो भी क्वेरी है वो क्लियर होती रहेंगी। तो आज का टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर आएंगे अपने चैनल पे, जिसमें सर हमारे साथ होंगे और बॉन्साई के ऊपर ही एक न्यू एपिसोड आपके सामने आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हर दिन सुबह 10 बजे गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं, तो हमारे चैनल चलो जहाँ चलेगा भी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही उन्हें बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। साथ ही सर को और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो उनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं। और अगर आप बॉन्साई का कोर्स करना चाहते हैं तो बुराड़ी के अंदर इनका इंस्टीट्यूट भी है, नर्सरी भी है, जहाँ पे ये आपको बॉन्साई के कोर्स करवाते हैं, तो अगर आप कोर्स करना चाहें तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट करके कोर्स भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मिलता है ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 गाइस।